नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल फ्लूट जोन में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे। बोर तो जरूर लग रहा होगा, परंतु कोरोना वायरस के चलते हम सभी अपने घर में सुरक्षित रहें, आप भी सब सुरक्षित रहें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आज मैं अपने फ्लूट जोन चैनल पर आपके सामने एक बांसुरी डी मिडिल फ्लूट का मेजरमेंट आप सबको देना चाहता हूँ। मैं अपने घर पे बांसुरी बनाया हूँ मेरे बजाने के लिए, और इस लॉकडाउन के चलते घर से बाहर हम नहीं निकल पा रहे हैं, तो मैं अपने लिए एक बांसुरी और बनाया हूँ जो है डी मिडिल फ्लूट। मैं इसका मेज़रमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये मेज़रमेंट आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है मेरा डी मिडिल फ्लूट मेज़रमेंट। आपके सामने मैं यहाँ पर पेन कापी आप ले लीजिए दोस्तों, और मैं मेजरमेंट बता रहा हूँ उसको आप लिखते जाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक मैंने यहाँ पर मेरा खुद का जो लॉकडाउन के तहत मैंने अपने बजाने के लिए एक बांसुरी बनाया है जो डी मिडिल फ्लूट है, और मैंने बनाया और इसका नाप है जो मेज़रमेंट है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आया दोस्तों मेरा वीडियो, तो आप सभी लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जो दोस्त आपके परिचय में जो लोग हैं जो बांसुरी बजाते हैं, उन लोगों के साथ आप बिल्कुल इनको शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों, मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है दोस्तों, तो मेरा सब्सक्राइबर 1000 पूरा करने में आप सभी मेरी मदद करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मेरा ये मेज़रमेंट आपके सामने प्रस्तुत है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने इस बांसुरी की लंबाई को मैंने एक कागज़ पर ऐसे बांसुरी की तरह मैंने खींच कर बनाया है दोस्तों। तो ये इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 48 सेंटीमीटर। पेन कागज़ ले लीजिए दोस्तों और साथ पे लिखते जाइए। तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों, इस पाइप की लंबाई है वो है 48 सेंटीमीटर दोस्तों। उसके बाद जब 48 सेंटीमीटर है दोस्तों, उसके बाद आप इस पाइप वैसे ही ले लीजिए, 48 सेंटीमीटर का पाइप लेंगे। तो आप जब भी पाइप लेंगे दोस्तों, तो उसमें एक टेप, जो टेप नापने का होता है, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक रखें, तो आप 48 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई पाएंगे। और उसके बाद आप अपटिक लगाना, इस पर चिन्ह लगाना चालू कर दीजिए दोस्तों। पेन कापी और मार्कर पेन रख लेते हैं और टेस्ट यहाँ पर टिक लगाते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर टिक लगाया दोस्तों, तो देख सकते हैं पहला जिसको माउथ होल बोलते हैं, उसको मैंने यहाँ से लेकर इसकी जो दूरी है वो है 6.5 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो है 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद फिंगरिंग होल की बात करते हैं दोस्तों, वो है ये 21.4 सेंटीमीटर। पहला होल जो है 21.4 सेंटीमीटर, दूसरा जो है वो है 24 सेंटीमीटर, तीसरा यहाँ पर है दोस्तों वो 27 सेंटीमीटर पर, अर्थात यहाँ से लेकर टेप रखे हैं दोस्तों, आप उस पर आप लिखते जाइए या लिखकर बाद में इस पर टिक लगाते जाइएगा। 27 सेंटीमीटर तीसरा होल की जो दूरी है वो। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों, ये चौथे होल की बात करते हैं, वो है 29.8 सेंटीमीटर, 29.28 सेंटीमीटर। उसके बाद है पांचवे होल की बात हम करें तो ये है 32 सेंटीमीटर पर इसका होल करेंगे दोस्तों। उसके बाद छठा होल की बात हम करें तो वो है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर पर इसके ये यहाँ पर टिक लगा लेंगे। एक और मैंने यहाँ पर लगाया दोस्तों 39.2 सेंटीमीटर। आप ये ना सोचें कि ये क्या है, ये इसके जस्ट बगल पे है ट्यूनिंग होल, यहाँ पर ट्यूनिंग होल है दोस्तों। इसी ट्यूनिंग होल की जो दूरी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 39.2 सेंटीमीटर। तो ये रहा दोस्तों, आपने यहाँ पर टिक लगा लिया। उसके बाद आप इसका जो डायमीटर कहा जाए या फिर इसका गोला कहा जाए, इस माउथ होल को हम कितना बड़ा करेंगे, इसी गोलाई को भी मैंने भी यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है जो आपके सामने है। चलिए दोस्तों देखें, सबसे पहला यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर पर जहाँ पर आप चिन्ह लगाए हैं, वह उस घेरे को आप 1.2 सेंटीमीटर का गोला करेंगे, इस छेद को 1.2 सेंटीमीटर का ही गोला करेंगे, बड़ा नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पहला फिंगरिंग होल की बात हम करें, इसको आप 1 सेंटीमीटर का गोला करेंगे।
दूसरा यहाँ पर 1.1 सेंटीमीटर का करेंगे, तीसरा जो है 27 सेंटीमीटर में जो तीसरा होल है उसका 1 सेंटीमीटर में करेंगे, 1 सेंटीमीटर गोला करेंगे। उसके बाद चौथा है उसको हम 0.8 सेंटीमीटर, इस बांसुरी में सबसे छोटा होल छेद यही है दोस्तों, 0.8 सेंटीमीटर इस होल को करेंगे। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर पाँचवें होल जो 32 सेंटीमीटर पर है, वो है 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर का होल यहाँ पर करना है। उसके बाद यहाँ पर छठा होल यहाँ पर 35 सेंटीमीटर पर है, उसको आप 1 सेंटीमीटर का करेंगे इसको। और एक और है यहाँ पर जिसके मैंने बता दिया था, ये ट्यूनिंग होल है जो बांसुरी में अच्छा सुर निकलता है, ट्यून होता है इसलिए है, तो ये 39.2 सेंटीमीटर पर इसको भी 1.1 सेंटीमीटर का गोला करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे कि मैंने बताया माउथ होल 6.5 सेंटीमीटर पर है और इसका जो गोलाई है वो 1.2 सेंटीमीटर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जब भी आप इस पाइप पर होल करें, छेद करें, तो आप उसको केवल 1 सेंटीमीटर का पहले छेद कर लें, 1 सेंटीमीटर तक का ही छेद करें। उसके बाद आप उसको चिकनाहट लाने के लिए, साफ़ करने के लिए तो आप किसी भी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कागज़ को लकड़ी को रगड़ने के लिए जो कागज़ का पेपर होता है, सैंड पेपर जिसको बोलते हैं, उससे आप चिकना करेंगे, इसको साफ़ करेंगे और उसको 2 mm अर्थात 1 सेंटीमीटर तो पहले करेंगे, उसके बाद 2 mm अर्थात उसको चिकना करके 2 mm का बढ़ाएंगे चारों तरफ घस घिस कर, तो आप वो हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ दोस्तों, पहले आप 1.2 सेंटीमीटर का पहले कर लिए, फिर बाद में जब साफ़ करेंगे तो इसकी जो गुलाई है वो बहुत बढ़ जाएगी दोस्तों और इससे इसका सुर ख़राब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप सभी इसको सभी छेदों को होल को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम करें और उसके बाद बड़ा जब आप उसको साफ करें तो यहाँ पर आप उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा या बराबर अपनी जगह पे आ जाएगा। पहले आप उसको पहला बड़ा ना करें दोस्तों, ये मेरा सलाह है आप लोगों से। और चलिए तो ये आपके सामने मेरा ये बांसुरी का मेज़रमेंट है दोस्तों, और इस मेज़रमेंट से आप अपने लिए घर पर बांसुरी बनाकर बजा सकते हैं दोस्तों। तो इस अब दो कई दोस्त मेरे ऐसे हैं जो YouTube में कमेंट बॉक्स में लिखते हैं दोस्तों कि इस छेद को हम कैसे करें, किससे करें। तो आप किसी भी नुकीली वस्तु से, स्क्रू से, किसी भी चीज़ों से, नुकीली वस्तु से आप इसका छेद कर सकते हैं। पहले छोटा करेंगे दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे उसको घिसते जाइए, थोड़ा बड़ा होते जाएगा। मैंने इसको पहले स्क्रू से छेदा था, उसके बाद नेल कटर में जो चाकू होता है दोस्तों छोटा सा, उस चाकू से धीरे छोटा छोटा घिस घिस कर मैंने बड़ा किया, फिर बाद में सैंड पेपर से मैंने उसको चिकनाहट लाया और बहुत साफ़ हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से कोई भी नुकीली वस्तु से, स्क्रू से, पेचकस से, उसके बाद आप नेल कटर के चाकू से, उसके बाद सैंड पेपर से इस तरीके से साफ़ करते हुए इस छेद को बड़ा करते जाएं दोस्तों, और बहुत सुंदर तरीके से आपका ये बांसुरी बन जाएगा, वेल ट्यून बनेगा दोस्तों, मेरा ये दावा है। और आप इस बांसुरी को जब बनाएंगे और बजाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक इसका आपका सामने मेज़रमेंट हो गया, आप पाइप ले लीजिए, टेप से आपको उसको चिन्ह लगा लीजिए, उसके बाद आप उसको छेद कर लीजिए। छेद करने के बाद एक ऐसा एक दोस्तों कि एक चीज़ और है दोस्तों, बहुत बड़ी बहुत ज़रूरी बात, इस जो बांसुरी का जो यहाँ पर मोटाई है दोस्तों, ये गोला वाला भाग, ये इस तरीके से मैंने नाखून और इससे पकड़ के रखा, ये 2 mm की मोटाई है दोस्तों। ये प्रोफेशनल फ्लूट जो होते हैं दोस्तों उनकी जो मोटाई होती है लगभग यही होता है, लगभग क्या 100% यही होता है दोस्तों। तो ये इसलिए मैंने हर बार यही कहता हूँ कि बांसुरी बजाने बनाने के लिए जो पाइप अगर आप लेते हैं पीवीसी पाइप, तो वो पीवीसी पाइप बेहतरीन ये है प्लास्टो कंपनी का। ये पीवीसी पाइप जो बिजली फिटिंग का नहीं है दोस्तों, ये पानी फिटिंग का है दोस्तों, पानी के लिए हम नल में फिट करते हैं उसका पाइप है दोस्तों। तो इसका पाइप मैंने लिया और इसकी जो मोटाई है वो 2 mm की है और इसका डायमीटर दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो अंदरूनी भाग का जो गोलाई है दोस्तों, जिसको डायमीटर कहते हैं, वो है 1.8 सेंटीमीटर। इसकी जो अंदर का भाग है वो है 1.8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार दोस्तों आप एक पीवीसी पाइप से एक प्रोफेशनल फ्लूट आप बना सकते हैं अपने घर पे। इसका खर्च दोस्तों केवल ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 रुपये आएगा। 100 रुपये में आप प्रोफेशनल जो बांसुरी मिलते हैं, 1,500, 2,000, 3,000 तक का जो बांसुरी मिलता है, उस बांसुरी को आप पीवीसी पाइप
प्लास्टो कंपनी का नल फिटिंग पाइप, इसके द्वारा आप इस मेज़रमेंट से इस बांसुरी को बना सकते हैं। और लॉकडाउन के दौरान दोस्तों आप बनाकर ज़रूर देखें दोस्तों और बजाकर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगा हो, नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा बनेगा तो आप बिल्कुल इस वीडियो को दोबारा देखकर आप डिसलाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार आप मैंने बता दिया कि एक मेज़रमेंट, एक पाइप और एक इसका डायमीटर, इसकी मोटाई मैंने बता दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जब भी हम इस माउथ होल से बांसुरी को फूंकते हैं, इस माउथ होल से बांसुरी को फूंकते हैं तो आवाज़ जो है वो इधर चली जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि हमने यहाँ पर एक कार का टुकड़ा लगाया है, रबड़ का टुकड़ा लगाया है। तो इस रबड़ का टुकड़ा को इसी गोलाई पर काट कर, 1.8 सेंटीमीटर की गोलाई पर काट कर इसको आप यहाँ पर इधर से अंदर डालें दोस्तों। इधर से अंदर डालना है आपको, और जैसे ही अंदर डालें तो कहाँ तक अंदर डालना है दोस्तों कि ये 6.5 सेंटीमीटर का माउथ होल है तो उसको आप 1 सेंटीमीटर पहले तक रखें। इधर से आप अंदर डालें और यहाँ पर आप उसको रख दें। मैंने यहाँ पर दो इतना मोटा इसलिए बना दिया चिन्ह को क्योंकि मैंने 2 सेंटीमीटर का डाला है। एक कार का टुकड़ा का जो मोटाई होता है वो 2 सेंटीमीटर का, इसलिए मैंने यहाँ पर, आप 1 सेंटीमीटर के भी डाल सकते हैं दोस्तों। और इसको डालने के बाद आप यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर है माउथ होल तो उसके एक सेंटीमीटर पहले, अर्थात 5.5 सेंटीमीटर पहले आप इस कार के टुकड़े को लगाएंगे। उसके बाद आप फूंक के देखना दोस्तों, यहाँ से बहुत सुंदर आवाज़ निकल कर आएगी। और इस प्रकार मुझे लगता है दोस्तों कि इस मेज़रमेंट के द्वारा मैंने आपको हर कुछ बताया, मेज़रमेंट, पाइप, नाप, कारका का टुकड़ा अगर आपको लगाने हैं दोस्तों तो उसमें आप पेंसिल को मिटाने के लिए जो रबड़ होता है उसको भी उपयोग आप कारका के टुकड़े के रूप में कर सकते हैं। लकड़ी को भी लगा सकते हैं दोस्तों, अगर आपको काट कर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस बांसुरी को बहुत सुंदर तरीके से आप बना सकते हैं और उम्मीद है आप जब इसको बनाएंगे और बजाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एक लास्ट रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरा ये मेज़रमेंट आप सबको एक अच्छा बांसुरी बनाने में मदद देने के लिए मैंने बनाए हैं। घर में आप बोर हो रहे हैं, इसको बजाने के लिए आपको बनाने हैं, आप बनाइए। और यदि मेरा ये मेज़रमेंट आपको सक्सेस होता है, अच्छे से बना लेते हैं, आप अच्छे से बजा लेते हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें दोस्तों मेरे वीडियो को। दोस्तों के साथ जो दोस्त आपके बांसुरी बजाते हैं या उनके पास बांसुरी नहीं है तो आप उसको इसका मेज़रमेंट शेयर करें दोस्तों, ताकि वो लोग भी इसका बांसुरी बनाकर बजाना सीखें। और लास्ट दोस्तों, मेरा जो सब्सक्राइबर है बहुत कम है दोस्तों, उसको 1000 पूरा करने में मेरी मदद करें दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो